मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दहिसर मोरी स्थित ठाकुर पाड़ा में 5 मई की रात कुछ लोगों ने तलवार चाकू लेकर इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश की है। यहां तक कि इन लोगों ने एक बाइक तोड़ दी और बिजली के मीटर तोड़ दिए और इलाके में घूम घूम कर जो मिला उसकी पिटाई की। यहाँ तक कि लोगों पर तलवार से भी हमला किया, मगर किसी तरह से लोगों ने अपने आप को बचाया। देर रात इन बदमाशों ने बंद घरों के दरवाजों पर लात मारकर कई घर के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जिन लड़कों ने दहशत फैलाने के इरादे से इलाके में तलवार छुरी लेकर हंगामा किया है, उनके नाम है जावेद सलीम खान, दिलावर फरीद शेख, शाहिद नासिर शेख, साद अहमद उर्फ सोनू, और इनके साथ में एक महिला भी शामिल है जिसका नाम है मारिया जावेद खान। इन लोगों ने दहिसर मोरी स्थित ठाकुर पाड़ा में देर रात कोहराम मचा कर रख दिया था। इन सब के पास तलवार चाकू था, मगर किसी तरह से इलाके के लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और एक बदमाश को स्थानीय लोगों ने खुद पकड़ लिया और मौके पर पहुंची डायघर पुलिस ने भी बदमाशों को पकड़ लिया और इनके पास से तलवार चाकू और एक ऑटो रिक्शा भी पुलिस ने बरामद किया है। कैसे ये बदमाश इलाके में तलवार चाकू लेकर दहशत फैलाने का काम कर रहे थे ताकि इनका वर्चस्व इलाके में कायम रहे। खुद पकड़े गए बदमाश दिलावर फरीद शेख क्या कह रहा है आपको सुनाते हैं। आज दहशत नाके पे हम लोग गए थे। सबसे पहले हम लोग गए मार्केट, जावेद मेरे को नशा कराया। हम लोग आए तो इधर अनवर लाल करके है, उधर हम लोग आए, सामान विमान खोले, पूरा तलवार निकाले, सब सर्वे किए, हर एक रोड पे तलवार दिखाए, नहीं मिला तो दहशत मोरी में उसका भाई मिला, उसको मारा, उसको मारे गए। तो सुना आपने, ये दिलावर शेख बदमाश खुद कह रहा है कि पहले नशा किया, फिर हथियारों के बल पर इन 4 लड़कों और एक महिला ने ठाकुर पाड़ा इलाके में हाहाकार मचा दिया। हालांकि डायघर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक JM मुजावर ने बताया कि इस मामले में जावेद सलीम खान, दिलावर फरीद शेख, साद अहमद उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मारिया जावेद खान अभी भी फरार है। इन पर धारा 143, 147, 148, 323, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डायघर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक JM मुजावर ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है और किस तरह से इन 5 लोगों ने ठाकुर पाड़ा इलाके में देर रात हथियार लेकर उत्पात मचाया, कैसे तोड़ फोड़ की स्थानीय महिलाओं ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। मुजावर, दहिसर मोरी से और कुछ 4 से 5 आरोपी पकड़े गए हैं, क्या पूरा मामला है? दहिसर मोरी ठाकुर पाड़ा एरिया में 5 तारीख के रात में करीबन 1 से 3 बजने के बीच में 5 जेंट्स और 1 लेडीज, ऐसा इन्होंने मिलकर एरिया में कुछ दहशत पैदा करने के इरादे से चाकू छुरी और तलवार लेकर रोड पर घूम रहे, ऐसी जानकारी मिलने के बाद हमारा डीबी स्टाफ API कापड़नीस और उनकी टीम ने जाकर ये सब लोगों को पकड़ा। उसमें से एक लेडीज वहाँ से गायब हो गई, तो उनको पुलिस स्टेशन में लाकर उनके पास से जो हथियार बरामद हो गया और एक ऑटो रिक्शा, ये सब जमा करके उनके ऊपर आर्मैट और इलीगल लोग 5 से ज़्यादा लोग जमा करके दंगा भड़काने के धारा के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कितने लोगों पर फरार? इसमें 4 लोग पकड़े हैं, जिनके नाम एक का जावेद है, दूसरे का दिलावर, तीसरा शाहिद और चौथा साथ करके है, और जावेद की बीवी उसमें मानते हैं। तो इन्हें कितने दिन की फिक्की मिली है? इनको अभी जेल कस्टडी हो गई है, अभी फिलहाल उनको जो RT-PCR रिपोर्ट बाकी है इसके लिए अभी फिलहाल उनको यहाँ पर रखा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हिना शाहनवाज शेख।
क्या हुआ था यहाँ रात के समय में, कितने लोगों ने यहाँ पर तलवार लेकर दहशत फैलाने की कोशिश की? रात का कुछ 11:30 बजे का टाइम होगा, सब अपने अपने घर में थे, हम लोग भी हमारे घर में ही थे। आवाज़ आई ज़ोर से गाली गलौज की। जब हम लोग बाहर निकल के देखे तो 4-8 लड़के थे, उनके हाथ में तलवार, कुछ ऐसे सामान थे जो नुकसान कर देने वाले थे। लोगों के शटर पे बनाए लोग ने बजाए, और दुकानों पे ऐसे मतलब बजाए तोड़े, घरों में गाके यहाँ पे मतलब तलवार वगैरह ऐसा दिखाए लोगों को, तो पूरा दहशत का माहौल बन गया था। यहाँ पे पूरी पब्लिक बाहर आ गई थी, ऐसा माहौल यहाँ पे बन चुका था। और वो लोग मतलब होश में भी नहीं थे, ऐसा लग रहा था उनके बर्ताव से। उसके बाद में फिर वो लोग तो यहाँ से चले गए, लेकिन पब्लिक सब परेशान हो गए, उनकी दुकानें तोड़ दिए, कांच वगैरह तोड़ दिए, किसी की छत तोड़ दिए, किसी का मीटर तोड़े, किसी की ऑटो तोड़े, किसी की बाइक तोड़े, ऐसा सब यहाँ पे माहौल बना। लोग 4-6 जन थे। हाँ, और ऐसा माहौल था कि हम लोग देख भी नहीं पाए, क्योंकि डर था, एक सबके हाथ में कुछ ना कुछ सामान था, तो हम लोग को एक डर था हम लोग कैसा मतलब आगे जाके देख पाते। और तो फिर जब था, और रात का टाइम था, 12 बज रहा था, फिर पूरी पब्लिक जब बाहर आ गई, पूरी जनता बाहर आई, फिर हम लोग ने पुलिस वगैरह को कॉल करके बुलाया, पुलिस आई, हमारा सबका बयान हो ली, हम यहाँ से चौकी गए, चौकी में एनसी वगैरह जिनका नुकसान हुआ उन्होंने सबने बताया क्या टूटा है क्या नहीं टूटा है, और फिर उसके बाद में पुलिस ने वो आरोपी लोग को अपने हिरासत में ली है। तो कितने आरोपी को अरेस्ट किए पुलिस? 4 जन को पकड़े हैं। कोई मुमरा गया, रात हो गई, लेट हो गया, 11 बजे 12 बजे उसको भी पकड़ के मारने लगते हैं, ऐसा वो लोग करते हैं यहाँ पे आके। तो ये हमेशा करते हैं या हमेशा ही करते वो लोग? मतलब 10-15 दिन बीतता नहीं कि तोड़म फोड़ मार मार कर करने लगते वो लोग, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, रहना दुश्वार कर दिए एकदम से, ऐसा कर दिए है ना कि रह नहीं सकते इंसान, क्या करे समझ में नहीं आता, इतना ही लोग ने परेशान करके रखे। तो ये क्या पूरा ठाकुरपाड़ा में आतंक मचाते हैं? भी इतने पूरा ठाकुरपाड़े में कहीं कोई जगह गली ना कोई जगह इन लोग ने नहीं छोड़े ले। कहाँ रहते हैं वो लोग? आप लोगों के एरिया में रहते हैं कि कहीं और से किसी और इलाके से? नीचे साइड में रहते हैं लोग, सूरज नगर के है वो लोग। तो ये सब करने की उनकी वजह क्या है? अब वो तो हमें नहीं मालूम क्या वजह है कि पब्लिक को परेशान करने की, हम तो नहीं जा रहे हैं परेशान करने के। मारते हैं छोटे बच्चे, कोई सो रहा है अपने अपने घर में आराम कर रहा है, उनको वो फिकर नहीं है, फुल नशे में रहते हैं और आके पब्लिक को परेशान करते हैं। किसी के घर में कौन कैसा है क्या है, कुछ वजह नहीं है, कुछ का मतलब भी नहीं है, ना किसी की यहाँ से किसी से दुश्मनी है, बस वो लोग नशे की हालत में आते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। हमारे एरिया से उन लोग का कुछ भी लेन देन नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाही दफ्तर है। क्या हुआ था रात के समय में? रात के समय 3-4 लड़के लोग आए हुए थे, कहाँ से आए थे पता नहीं, पर आए थे तलवार चाकू को लेकर के आए थे। कुर्सी हमारी वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो जब मोनस लेके आया तो हम लोग भाग गए, बैठे हुए थे वहाँ पे, लोग भाग गए तो कुर्सी छोड़ के हम लोग आ गए। जब अंदर आए तो वहीं पर कुर्सी में दो कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, वहीं पर चाकू तलवार लेकर के वो लोग ने उस पर हमला किया, मतलब तलवार कुर्सी पर, दोनों कुर्सी वहाँ पर थी और खड़ी बैठी हुई थी। आप लोग वहाँ से भाग गए? जी हम लोग वहाँ से बैठे हुए थे, मतलब देख रहे उधर से लंबा था, हम लोग भाग गए कि छोड़ दो भाई, राजा करके मूड में आ गए, हम लोग को आवार न कर दे, इस वजह से हम लोग वहाँ से हट गए और कुर्सी हम लोग छोड़ के चले आए अपने दुकान में आके। तो दुकान वहीं पड़े, तो जब लोग आए तो कुर्सी वहाँ पड़ी हुई थी, उसी को उन्होंने तलवार पर मार के कुर्सी दोनों हमारे नुकसान कर दिया।